रायबरेली जनपद के एक छात्र ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है अब जिसकी चर्चा सिर्फ रायबरेली में ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है। आपको बता दें कि एक छात्र ने दिव्यांग जनों को देखने और समझने में सहायता मिलने के लिए न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के छात्र ने एक चश्मा तैयार किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने चश्मे को पसंद भी किया, साथ ही साथ छात्र को 10,000 रुपए की राशि से प्रोत्साहित भी किया गया है। दरअसल कक्षा 10 के छात्र नैतिक श्रीवास्तव ने कंप्यूटर शिक्षक शिवांग अवस्थी व विज्ञान के शिक्षक सुलेमान सिद्दीकी की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक चश्मा तैयार किया है। चश्मे की खासियत बताते हुए नैतिक श्रीवास्तव ने बताया कि गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति को देखकर उनके मन में यह जिज्ञासा जगी कि इनके लिए कुछ सहायक उपकरण तैयार किए जाएं, जिनसे इनके जीवन में सहजता आ सके। चश्मे के बारे में बताते हुए कहा कि इस चश्मे के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सहजता से पहचान सकता है। व्यक्ति का चेहरा सामने आते ही उसका नाम दिव्यांग व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। छात्र ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में उसने एक कैमरा, 2 अल्ट्रा सैनिक सेंसर, 1 प्रोसेसर, 1 माइक्रोचिप व 1 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें जितने लोगों के आंकड़े सुरक्षित किए जाएंगे उन्हीं पर यह चश्मा संकेत देगा। विद्यालय के इंचार्ज राजीव सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पसंद भी किया है, इसे मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। चश्मे को मूर्त रूप देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के छात्र को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। इस चश्मे का प्रयोग अभी तक आधा दर्जन से अधिक दिव्यांग पर किया जा सका है। अब इसके परिणाम सफल साबित हो रहे हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा वहां मौजूद छात्र नैतिक श्रीवास्तव ने। नैतिक श्रीवास्तव, क्या किया आपने, क्या बनाया? ग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पीपल। मतलब इससे होता क्या है कि जितने भी जो लोग जिनको नहीं दिखता है तो उनकी लाइफ आसान करने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास था। इसमें हमने यूज़ किया है अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया, कैमरा यूज़ किया और एक कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ किया जिसका नाम है रास्पबेरी पीआई। और इसमें करता क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर है। तो अगर कोई इंसान जा रहा है और सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक रेज, और अल्ट्रासोनिक रेज ट्रांसमिट करके वेव्स का नेचर होता है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, चाहे लाइट वेव्स हों कोई भी वेव्स हों, वो रिफ्लेक्ट होती हैं सामने से, तो वो जाके रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर में 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। रिसीवर वो रिसीव करता है और प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन का प्रोग्राम था अल्ट्रासोनिक सेंसर का, पाइथन का प्रोग्राम जिसमें वो पूरा होता है कि हाँ डिस्टेंस और स्पीड फॉर्मूला से वो डिस्टेंस पता करता है कितनी डिस्टेंस है बीच में। और इसी ये वो जब भी अगर कोई भी चीज़ 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो वो बता देता है, उसको वार्न कर देता है इंसान को कि हाँ आपके सामने कुछ है, तो उससे फिर वो जो भी जिसको नहीं दिखता है वो रुक सकता है और अपने आप को इससे बचा सकता है। तो और कहाँ पर आप पढ़ते हैं? सर, न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल। किस क्लास में हैं आप? सर, 10th। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हसनपुर। क्या नाम है आपके पिताजी का? मिस्टर मार्तन श्रीवास्तव। ये सोच कहाँ से आपको उत्पन्न हुई? ये सोच दरअसल हुआ क्या था कि इंस्पायर अवार्ड का स्कूल में हुई, इंस्पायर अवार्ड की स्कीम आई तो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप देखिए सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप दूर करेंगे तभी कुछ इनोवेटिव मिलेगा। तो ऐसे ही मेरे गांव में एक नेत्रहीन काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, 60 अबव एज होगी उनकी, तो वो अपनी वाइफ के साथ आते थे। उनकी वाइफ उन्हें पकड़ कर लाती थी, कहीं पर भी वो जाते थे तो अपनी वाइफ के साथ जाते थे। तो हमें लगा हाँ शायद इसके लिए कुछ किया जा सकता है इनके लिए, तो उस पर हमने थोड़ा इंटरनेट पर भी ढूंढा, सर्च किया, तो उस पर था कि डिस्टेंस वाला एक था ग्लासेस, वो डिस्टेंस वाले पहले से बने हुए थे
बट उसमें था क्या, सिर्फ आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं, कोई चीज़ कितनी डिस्टेंस पर है वहाँ रुक सकते हैं। उसमें दो चीज़ें और नहीं थी जो कि हमने ऐड की, एक फेसियल रिकग्निशन और दूसरा टेक्स्ट रिकग्निशन। फेस रिकग्निशन से होता है क्या, कोई भी इंसान अगर आपके सामने खड़ा है, जिसको नहीं दिखता उसके सामने खड़ा है, उसने ये ग्लासेस पहन रखे हैं, तो कैमरा डिटेक्ट कर लेगा कि सामने कौन है। चेहरा अगर उसकी आइडेंटिटी सेव होगी तो बताएगा, उस इंसान का नाम बता देगा, बट अगर आइडेंटिटी सेव नहीं है तो बताएगा अननोन पर्सन। चश्मा पहन रखा है। और सेकेंड चीज़ इंसान ने, टेक्स्ट रिकग्निशन। तो ये जैसे कोई जब कैमरा उस डॉक्यूमेंट पर पड़ेगा तो कैमरा पूरा डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लेकर वो इस कंप्यूटिंग डिवाइस में भेजेगा। कंप्यूटिंग डिवाइस क्या करेगी, पूरा रिकग्नाइज करेगी, एक एक लेटर्स वर्ड्स रिकग्नाइज करेगी, और उसको फिर ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजेगी ईयरफोन के थ्रू उस इंसान के पास, जिससे वो पूरा टेक्स्ट भी पढ़ सकेगा। कितना समय लगा आपको? इसमें तो 2 से 2.5 महीना। कौन कौन आपके सहयोग में था? सर सहयोग में टीचर्स थे स्कूल के, और ऐसे प्रोत्साहन कहीं से मिला फ्रेंड्स। आपको इसका, इसका प्रोत्साहन मतलब सराहना की किसी ने, मोटिवेशन, मोटिवेशन? मोटिवेशन हाँ, टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया इसमें। और अभी इंस्पायर अवार्ड का जो था प्रोजेक्ट, तो इंस्पायर अवार्ड में गया तो उसमें भी प्राइज़ मिला गवर्नमेंट किसने दिया? ऑफ इंडिया के थ्रू। और प्रिंसिपल सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया इसके लिए कि, और बाकी टीचर्स शिवांग सर, सुलेमान सर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, आप बहुत अच्छा लग रहा है।